The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto. Main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, इस चैनल पे हमने ऑलरेडी कई सारे वायरसेस के बारे में, निपा वायरस, कोरोना वायरस, इनके बारे में वीडियोस बताए हैं, आपको जानकारी दी है, ऑलरेडी अवगत करा चुके हैं सच्चाई से कि एक्चुअली ये इतनी डरावनी चीज़ नहीं है जितनी मीडिया बता रही है. और क्यों? क्योंकि बाकी सारे डेंजरस वायरस हो चुके हैं पहले. इबोला वायरस हो चुका है जिसकी एक्चुअली डेथ रेट, अगर आपको गलती से वो वायरस हो गया तो 70% चांस होंगे कि आप नहीं बच पाओगे. और इवन जो दूसरे वायरसेस हैं जैसे सार्स वायरस, मर्स वायरस, उसमें डेथ रेट बहुत हाई है और कोरोना वायरस की इन्फेक्टिविटी का रेट ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे लेकिन उसका डेथ रेट 2% से भी कम है. और जितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो 1% से भी कम है. मतलब अगर आपको होगा तो 1% के आसपास का चांस है कि सिर्फ 1% चांस है कि आप मरोगे. 99% चांस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप मरोगे. माइनर प्रॉब्लम तो होगा, फ्लू जैसे सिम्टम तो होंगे, दिक्कत तो होंगे, बीमार तो हो सकते हैं. उसमें भी 80% चांस है कि आप बीमार नहीं होगे, 20% चांस है बीमार होगे. ऑलरेडी समझाया, अगर नहीं पता है, नहीं देखा है तो सारे वीडियोज आपने देखने हैं कोरोना वायरस बारे. आज जो सवाल उठा रहे हैं लोग कि अगर हम वायरसेस की बात करें तो क्या वायरस बॉडी के बाहर सर्वाइव करता है? क्या हम ऐसी कोई चीज़ जो बाहर से आ रही है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाइना से आ रही है और उसमें वायरस लगा हुआ है, उसके सरफेस पे वायरस है, तो क्या हमको उन सरफेस से इन्फेक्शन हो सकता है? तो क्या हम चाइना से आई हुई चीज़ें ना यूज़ करें, चाहे हम करें क्या ना करें? तो इसके पीछे की सच्चाई हम आज आपको बताएंगे कि एक वायरस बॉडी के बाहर, क्योंकि वायरस एक डीएनए मटेरियल, एक आरएनए मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपके अंदर जाता है, आपके सेल्स में घुसता है और आपके सेल के मशीनरी को हाईजैक करके मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है. बिना सेल के वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता. तो थोड़े दिनों में, बल्कि कितने दिन टिकता है ये जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, वायरस एक्चुअली कायदे से तो नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं बॉडी के बाहर, बशर्त है कि उनको सही एनवायरनमेंट मिले, मॉइस्चर और टेम्परेचर सही मात्रा में हो, वो वाटर रेजिस्टेंट सरफेसेस पे, यानी कि जहां मॉइस्चर बचा के रहा जाएगा. ऐसा नहीं कि जहां से मॉइस्चर खींच लिया जाएगा, मॉइस्चर बचेगा वहां, रुकेगा. जैसे कि स्टील के ऊपर पानी गिरा हो तो वो रहेगा, वो खींच नहीं लेगा स्टील उसको. तो स्टील और प्लास्टिक, इनके ऊपर ज्यादा, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक के ऊपर ज्यादा दिनों तक टिक जाते हैं. लेकिन कैन इवन सर्वाइव फॉर सेवरल डेज, लाइक आई सेड, एक कोल्ड का वायरस, कोरोना वायरस जैसे वायरस कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन ये कोरोना वायरस इन्फेक्टिविटी उसकी, कि भाई वो सर्वाइव तो करेगा लेकिन क्या वो चीज़ को वापस हाथ लगाने से आपको हो जाएगा? बिकॉज इसमें फ़र्क समझो. पहला तो ये है कि किसी सरफेस के ऊपर अगर वायरस हो भी तो उसके ऊपर हाथ लगा के वो हाथ आपके नाक या मुंह में जाना चाहिए, वरना नहीं होगा. सिर्फ हाथ लगा देने भर से, सिर्फ आपके हाथ में रहने भर से आपको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो आपके मुँह या नाक में ना चले जाए, पहली बात. दूसरी बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इसीलिए बोलते हैं हाथ धोना. अगर आप हाथ धोएंगे, मतलब मान के चलिए जितने भी लोगों को हुआ है, दो ही तरीके से हुआ है, या तो डायरेक्ट उनके छींक, किसी पेशेंट की छींक, किसी पेशेंट के ड्रॉपलेट्स हवा में, जो कि कुछ ही दूर तक, कुछ ही मीटर तक जाते हैं, कुछ ही मीटर तक जाते हैं, वो डायरेक्ट उनके नाक या मुंह में गिरे हैं, तब हो सकता है. या फिर उनके शरीर पे गिने, उन्होंने हाथ मिलाया और वो हाथ उन्होंने नाक या मुंह पे लगाया. बिना इसके नहीं हो सकता कोरोना वायरस का इन्फेक्शन. हवा में नहीं घूम सकता कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, मीलों किलोमीटर तक नहीं जा सकता कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, कुछ ही मीटर दूर तक रहता है. इसीलिए ये ज़्यादातर 99% केसेस जो हैं चाइना में ही हुए हैं, और जो बाहर हुए हैं वो चाइना से लेके बाहर आए हैं, चाइना से लेके बाहर आए हैं. फिर वो एक आदमी से बाहर फैल सकता है, लेकिन ये हवा में नहीं घूम सकता, ये पार्सल के ऊपर रह सकता है. मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई पार्सल है, किसी पार्सल के ऊपर कोरोना वायरस या कोई भी वायरस गिर गया, वो वायरस के ड्रॉपलेट्स गिरे हैं. अब ये सरफेस अगर मॉइस्चर खींच लेता है तो वायरस ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा, मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा, ड्राई होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नहीं भी रहता है,
सरफेस नहीं भी रहता है तो भी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है इस वायरस की इन्फेक्टिविटी होने की वो है कुछ ही घंटे की। कुछ ही घंटे मतलब 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे हो गए तो इस वायरस की इन्फेक्ट करने की क्षमता ना के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऑल्दो वायरस जीवित हो सकता है 7-8 दिनों तक, लेकिन वो आपके अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करेगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। उल्टा ये एटीन्यूएटेड वायरस जैसा बन जाएगा, जैसा का लोग दूसरे वैक्सीन बना के देते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि वो वैक्सीन जैसा काम करेगा, नो, बट देन ये एटीन्यूएटेड आपके अंदर नहीं इन्फेक्ट कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये इन्फेक्टिविटी हो भी, 7 घंटे के अंदर आपके पास पार्सल पहुंच भी गया, 7 घंटे के अंदर उसके ऊपर वायरस है भी, तो जब तक आप उसको हाथ लगा के मुंह में या नाक में हाथ नहीं डालोगे आपको नहीं होगा, नहीं होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू प्रिवेंट एनी वायरस इन्फेक्शन इज हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग आपने करनी है, चाहे अल्कोहल से करें चाहे साबुन पानी से करें। 30 सेकेंड तक साबुन पानी से, अल्कोहल से प्रॉपर चारों तरफ मुंह और नाक को हाथ लगाना छोड़ दीजिए। बस इतनी सी आदत आपने छोड़ देनी है तो आपको कोरोना वायरस या किसी भी वायरस का इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और हो भी गया तो डरने की बात नहीं है। न्यूज़ पे भरोसा मत करिए, सारी बकवास न्यूज़ें आने लग गई हैं आज तक, आज कल। सो कृपया इन चीज़ों पे भरोसा ना करें कि 10,000 लोगों को मार देने की बातचीत हो रही है या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब इबोला वायरस हुआ था, जो बहुत डेंजरस वायरस था, इतना डेंजरस वायरस के टाइम पे जो 70% तब नहीं ऐसी बात हुई, तो 1% मॉर्टेलिटी वाले केस में कहाँ से बात होगी? क्यों मारें, क्यों करें? और बहुत सारी बकवास न्यूज़ आती है, मतलब इतना लगता है कि लोग क्यों इस चीज़ को गलत फैला रहे हैं कि पूछो मत। बट देन हम क्या कर सकते हैं, लोग पागल होते हैं, एवं कुछ भी बोलते हैं। एक सिंपल फ्लू वायरस, कोल्ड वायरस, कोई भी प्रकार का वायरस ऐसे ही सरवाइव करता है। इवन एक एंट्रिक वायरस जो होता है ना, जो बच्चों को करता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, ऐसे वायरस, ये भी एक एंट्रिक वायरस, ये वायरस जो बहुत कॉमनली फैलते हैं, वो भी कुछ ही दिनों तक रह सकता है सरफेस के ऊपर, राइट, कुछ ही दिनों तक। लेकिन वो भी पेट में दिक्कत, ये दिक्कत कुछ ही घंटों तक, 24-48 घंटे तक ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कोरोना वायरस की फैमिली वायरस, सारे वायरस 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के बाद अपनी इन्फेक्टिविटी खो देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वायरसेस का ये बेसिक है, दैट वायरस, हाउ वायरसेस सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी। याद रखिए, इट नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इट नीड दैट काइंड ऑफ अ सरफेस जो मॉइस्चर खींच ना ले, मॉइस्चर रहना चाहिए, राइट। सो यू कैन इम्पॉसिबल नहीं है कि हाँ आप उसको 7 घंटे के अंदर टच कर लोगे, फिर मुंह को टच कर लोगे, तो इट इज पॉसिबल कि आपको ये कोरोना वायरस, कोल्ड या फ्लू जैसे वायरसेस हो जाएं एक इन्फेक्टेड सरफेस को टच करके, अपने अपने मुंह को हाथ लगा लिया तो इट्स पॉसिबल। लेकिन याद रखिए, मेजॉरिटी केसेस होंगे डायरेक्ट हैंडशेक से या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, 90% 99% केसेस ऐसे होंगे। सो बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग दिस इज हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट वो अपना मुंह के ऊपर अपना मास्क पहनिए जब भी आप बाहर जाते हैं, जब भी आप हाथ नहीं लगाना है मुंह के उस पे, हाथ लगा रहे हैं हाथ धो के लगाइए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इवन किसी भी प्रकार का दूसरा वायरसेस हो गया, इवन HIV वायरस हो गया, वो भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है आउटसाइड द बॉडी, वो मर जाता है, इनएक्टिव हो जाता है बहुत ही जल्दी, कुछ ही घंटों में। सो डेंजरस से डेंजरस वायरसेस भी नहीं रिवाइव कर पाते। एक बैक्टीरिया की भी अगर बात करें ना, कि बैक्टीरिया कितने दिन रहते हैं, देखो वायरस तो हो गया वायरस, चाहे वो फ्लू वायरस हो, हर एक वायरस का अपना अपना ड्यूरेशन है इन्फेक्टिविटी होने का। लेट्स जस्ट आई गिव यू एन आइडिया, ठीक है। जैसे कोल्ड वायरस हम बात करते हैं, कोल्ड वायरसेस में कोरोना वायरस ही आता है मेनली, वो मैंने कहा 7 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्टिविटी कुछ ही घंटे तक होती है और कुछ ही घंटे में रिड्यूस होती जाती है, गपा गप रिड्यूस होती है, 24 घंटे के बाद इट नो लॉन्गर कैन इन्फेक्ट यू, दैट इज द आइडिया। एंड इसमें सबसे कॉमन कोल्ड वायरस जो होता है राइनो वायरस, राइनो वायरस वेरी वेरी कॉमन कोल्ड वायरस है, ये कुछ ही मिनटों तक, इट्स लास्ट फॉर ओनली फ्यू मिनट्स। 40% कोल्ड वायरस जो है 1 घंटे तक ही सर्वाइव करते हैं, इवन आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में आ जाए तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर सर्वाइव नहीं करेंगे, मतलब 1-2 घंटे के बाद हाथ लगाए तो नहीं होगा आपको, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग, ओनली कुछ घंटों तक रहते। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, RSV वायरसेस है, जो भी कोल्ड वायरस के जैसा है, वो भी आपके कोई भी सरफेस के ऊपर, डोर के ऊपर,
छः घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, और टिश्यूज या कुछ जो मॉइस्चर वाली जगह होती है ना, जहाँ पे जैसे अगर कपड़े पे गिर गया तो 30 मिनट 40 मिनट सर्वाइव, क्योंकि ड्राई वो वहाँ पे मॉइस्चर सूख जाएगा, फट से सूख जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और स्किन के ऊपर सिर्फ 20 मिनट सर्वाइव करता है आरएसवी वायरस। तो हर एक वायरस का ऐसा है, फ्लू वायरस भी कोल्ड वायरस के जैसा हार्ड सर्फेस पे मैक्सिमम 20 मिनट्स तक ही सर्वाइव कर सकता है, और किसी टिश्यू के ऊपर आ गया, कोई बॉडी के ऊपर आ गया तो 15 मिनट तक सर्वाइव करेगा फ्लू वायरस, कॉमन फ्लू वायरसेस। सो याद रखिए, अब हाथ के ऊपर भी पहले पांच मिनट इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट के अंदर वो वायरसेस जो है सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं हाथ के ऊपर, फ्लू वायरस की बात करें। वेरी वेरी सिंपल। तो इसीलिए अगर आदत सुधार लोगे तो बच जाओगे, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप, एक सिंपल आदत सुधारना। इवन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो क्रूप वायरसेस बच्चों में होते हैं, वो भी 4-10 घंटे, अप टू 4-10 घंटे तक सर्वाइव करती है। कोई बग की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया 1-4 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल जो 5 महीने तक सर्वाइव करता है एक सरफेसिस पे, बैक्टीरिया की बात करें। सो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सारे जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं बॉडी के बाहर। सो अपने आप को बचाने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, हाथ अच्छे से धोते रहिए, हाथ मुंह नाक को ना लगाएं, बाहर जा रहे हैं मास्क पहने, ग्रुप से बचे, और इस वीडियो को शेयर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज उल्टी सीधी न्यूज से बचें। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। शेयर दबाओ, लाइक दबाओ, शेयर दबाओ, 10 बार दबाओ, 10 बार शेयर करो। थैंक यू।